नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JDS टेकऑल चैनल में। दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि YouTube कुछ ज्यादा ही अपडेट दे रहा है, जिसमें कुछ अपडेट किसी किसी के लिए अच्छे हो जाते हैं और कुछ अपडेट किसी किसी के लिए बुरे हो जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ऐसे ही एक YouTube अपडेट के बारे में होने वाली है, जिसको YouTube ने रिसेंटली किया है। और दोस्तों आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये जो अपडेट हुआ है ये किन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है और किन लोगों के लिए ये अपडेट जो है बुरा होने वाला है। तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये है यूट्यूब के डिसलाइक बटन को लेकर। दोस्तों अभी तक आप क्या देख रहे थे कि अगर आपके किसी भी वीडियो पे 100 डिसलाइक है तो उनकी काउंटिंग नीचे 100 होती रहती थी, लेकिन इस अपडेट के बाद ऐसा नहीं होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ डिसलाइक होंगे वो आपको 100 नहीं होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्या ये अपडेट सही है या गलत, और अगर सही भी है तो किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए गलत है। दोस्तों नॉर्मली क्या होता था कि अगर आपकी किसी वीडियो पर डिसलाइक का रेशियो ज्यादा हो गया है तो दोस्तों जो व्यूअर होते थे वो यदि आपकी वीडियो पे आते थे तो जो व्यूअर होते थे यदि आपकी वीडियो को देखते थे और उसमें लाइक और डिसलाइक की काउंटिंग जो उनको 100 होती रहती थी, अगर वो देखते थे कि डिसलाइक की जो है काउंटिंग यानी नंबर ऑफ डिसलाइक जो है ज्यादा है लाइक से, तो दोस्तों उन्हें लगता था कि ये वीडियो सही नहीं है, यानी कि इस वीडियो में या तो क्लिक बैट की गई है थंबनेल में, यानी कि थंबनेल में कुछ और लिखा है और अंदर कुछ और है। तो दोस्तों व्यूअर क्या होते थे कि वो वीडियो छोड़कर चले जाते थे। बट दोस्तों ऐसा नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ डिसलाइक काउंटिंग 100 ही नहीं होगी, जब तब जो व्यूअर होंगे वो दोस्तों वो क्या करेंगे, उनको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो में क्या है और क्या नहीं है, तब वह क्या करेंगे आपकी वीडियो पे टिके रहेंगे, जिससे दोस्तों क्रिएटर का फायदा होगा। दोस्तों जो इस तरह के क्रिएटर है उनको डायरेक्टली फायदा होने वाला है। अब दोस्तों ये अपडेट गलत किन लोगों के लिए होने वाला है, जैसे कि दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर आपके नंबर ऑफ डिसलाइक है वो 100 होते रहते थे तो व्यूअर वीडियो छोड़ के चला जाता था, जिससे क्या होता था दोस्तों कि जो क्रिएटर होता था वो अपनी गलतियों को सुधारता था और अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाता था, जबकि दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके डिसलाइक लाइक की अपेक्षा ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपका डिसलाइक का जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाता है, तब आपकी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी वीडियो पर बहुत ज्यादा डिसलाइक हो गए हैं तब भी आपकी वीडियो को YouTube रेकमेंड करेगा, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कैरी मिनाटी ने मिस्टर फैजू की रोस्ट वीडियो बनाई थी तब मिस्टर फैजू की वीडियो पे बहुत ही ज्यादा डिसलाइक हो चुके थे लाइक की अपेक्षा, फिर भी दोस्तों YouTube उनकी वीडियो को रिकमेंड कर रहा था और उनकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आ रहे थे। तो दोस्तों डिसलाइक से YouTube रिकमेंडेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोस्तों जो व्यूअर का वीडियो देखने का नजरिया होता है वो चेंज हो जाता है और हो सकता है व्यूअर खुद ही वीडियो छोड़ के चला जाए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो और ये अपडेट जो है आपके लिए कैसा होने वाला है, अच्छा है या गलत है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।